दोस्तों आज है 16 दिसंबर 2019। आइए जान लेते हैं बिहार के कुछ बड़े खबरों के साथ कुछ अन्य शहरों के भी खबर। यहां पर आपको हम बता दें एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। पैन को आधार से 31 तक आपको जोड़ना अनिवार्य है। अस्थाई खाता संख्या पैन को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी। इससे पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी। मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी। आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी। आयकर कानून की धारा 139AA2 कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है वह आधार हासिल करने के पात्र हैं, तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी। यदि आप नहीं जानते पैन को आधार कार्ड से जोड़ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ सकते हैं। बिहार में हाई सिक्योरिटी नंबर को लेकर ऑनलाइन आवेदन। जी हां, 6 दिनों में मिल जाएगी नंबर प्लेट। सेंटर पर ही आपको मिल सकेगी आपका नंबर प्लेट। 6 दिनों के अंदर लगेगी नंबर प्लेट। आपको बता दें कि नंबर प्लेट की जो दर होगी 2 पहिए का 139 रुपये, वहीं 3 पहिए का 172 रुपये, लाइट मोटर वाहन 355 रुपये, मध्यम व उच्च मोटर वाहन 328 रुपये, वहीं कृषि ट्रैक्टर की बात करें तो 162 रुपये। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अब ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। वाहन मालिक घर बैठे ही नंबर प्लेट की बुकिंग करवा सकते हैं। यह सुविधा अभी अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों को मिलेगी। 1 अप्रैल 2019 के बाद सभी वाहनों में नंबर प्लेट लगकर ही आ रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम में वाहन मालिकों को 6 दिनों के अंदर नंबर प्लेट मिलेगा। जैविक खेती का होगा विस्तार। जैविक खेती योजना का विस्तार राज्य के सभी जिलों में होगा। कृषि विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। साथ ही नई योजनाओं का प्रारूप तैयार करने का जिम्मा भी निदेशालय को दे दिया है। जदयू नेता बोले बिहार में नहीं लागू होगा NRC। जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने रविवार को दो टूक कहा है कि उनका दल बिहार में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC लागू नहीं होने देगा। प्रशांत किशोर के ट्वीट के बाद NRC पर रविवार को बिहार की राजनीति गर्म हो गई। खासकर जदयू के बड़े नेता खुलकर इसके विरोध में खड़े हो गए। गिरिराज सिंह ने कहा बिहार बंगाल सहित देश भर में लागू हो NRC। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कहा है कि देश भर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC लागू होना चाहिए। बिहार हो या बंगाल, NRC पूरे देश की जरूरत है। देश में बाहरी लोगों को रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मानव श्रृंखलाओं के सफल प्रयोग अपनाए जाएंगे। बिहार ने वर्ष 2017 में शराबबंदी व पूर्ण नशाबंदी को लेकर, जबकि 2018 में दहेज तथा बाल विवाह प्रथाओं के उन्मूलन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई थी। अब 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला को कामयाब करने के लिए पहले की दोनों श्रृंखलाओं के हर सफल प्रयोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली यात्रा की तैयारी जारी है। वे 17 दिसंबर की शाम 3:15 पर कुटुंबा प्रखंड में पहुंचने वाले हैं। उनका कार्यक्रम स्ट्रॉबेरी ग्राम चिल्की बीघा में है। यहां वे जल जीवन हरियाली योजना के तहत जीर्णोद्धार कराए गए तालाब व वृक्षारोपण का अवलोकन करेंगे। रफीगंज के सभी पैक्सों की मतगणना समाप्त, परिणाम घोषित। रफीगंज प्रखंड में सभी पैक्सों की मतगणना दूसरे दिन रविवार को समाप्त हो गई और परिणाम घोषित कर दिए गए। रेलवे में 50% पद घटाने की तैयारी। नई दिल्ली सरकार ने रेलवे में सुधार के नाम पर कर्मचारियों की संख्या 50% तक घटाने का प्रस्ताव तैयार किया है। रेल कर्मियों के लिए आकर्षक लाभप्रद स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में भारतीय रेल में सुधार को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात सामने आई है। वर्षा से बर्बाद हुई फसल, रबी की खेती भी पिछड़ी। 3 दिनों से बिना मौसम के हो रही रिमझिम बारिश से खेतों में तैयार धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है।